आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। कल मैं थोड़ा सा बिजी था, सतीश कौशिक, कल मैंने सुबह ही देखा ये न्यूज़ कि सतीश कौशिक का निधन हो गया है। कमाल के एक्टर थे दोस्तों, मेरे वन ऑफ द फेवरेट, बहुत ही अच्छे इंसान थे। नीना गुप्ता के बारे में आपने सुना है? नीना गुप्ता अपने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है, इनकी देखिए, इनकी इंसानियत और इनकी अच्छाई का देखिए क्या लेवल है। जब विवियन रिचर्ड्स के, मतलब उनके बच्चे से प्रेग्नेंट थी नीना गुप्ता, शादी तो ही नहीं थी, बहुत दिक्कत, तब सतीश कौशिक ने उनसे बोला था कि तुम मुझसे शादी कर लो, अगर बच्चा काला भी पैदा होगा तो क्या ही दिक्कत है, बोल देना मुझ पे गया है। ये सुन के नीना गुप्ता की आंखों में आंसू आ गए। बहुत लंबे समय से दोस्तों के दोस्त थे ये, बहुत ही गजब इंसान थे। एक्टिंग तो क्या ही बताएं, डायरेक्टर एक्टर गजब, मज़ा आ जाती थी। मतलब इनको इनको देख के कहते ना, एक पॉजिटिविटी सी आ जाती थी। ऐसे थे सतीश कौशिक। 66 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आ गया। मुझे पता है अपने को खोना कैसा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी मेरी बाहों में ही दम तोड़ा था। अभी जब 24 दिसंबर मेरी दुनिया के सबसे, मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस थे, जब उनको हार्ट अटैक आया था, और आपको बता दूं कि वो भी बिल्कुल फिट थे। हम लोगों का मकान शिफ्ट हुआ और एकदम फिट, मतलब कोई, हर कोई चौंक गया। रात में 12 बजे वो मैसेज करते हैं, जो हमारा फैमिली ग्रुप है, हैप्पी बर्थडे, और उसके 1 घंटे बाद उनको छाती में दर्द होता है। 1:30 बजे मैं जैसे ही उनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मतलब वो, क्योंकि थोड़ा सा सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो जैसे ही मतलब मैं निकालते ही हूँ कार और अपने पिताजी को बस पकड़ता हूँ और बाहर ले जाता हूँ, वैसे ही वो मेरे एकदम कोलैप्स कर जाते हैं और उनका निधन। मतलब 1 सेकेंड में दुनिया पलट गई, 15 मिनट में अंदर अंदर सब खत्म, पता ही नहीं लगा सकते। यही सतीश कौशिक के साथ हुआ है। दिल्ली गए थे होली खेलने, 12:10 पे उन्होंने बोला कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है, यही होता है। मैनेजर ने, फोर्टिस अस्पताल ले गई इनके मैनेजर, और गेट पे ही इन्होंने दम तोड़ दिया। सुष्मिता सेन बच गई, सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक आया था। 95% इनकी जो आर्टरी थी वो ब्लॉक हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये बच गई। अब ये बताती कि अगर मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होती, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा ये हुआ ना कि सुष्मिता सेन तो भैया फिटनेस फ्रीक है, मतलब ये तो फिटनेस टिप्स देती है, इनको कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। ये बताती अगर मेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, मैं वर्कआउट नहीं करती, तो शायद मैं मर जाती। और अब दोबारा से उन्होंने वर्कआउट शुरू किया है। तो डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें बताते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, डाइटिशियंस ने कुछ बोला है, क्या कहा है, आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं और क्या करना है, चलिए हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम अपने UPSC कोर्स की। 2024 का बैच दोस्तों हमने लॉन्च कर दिया है, ओके, 2024 का बैच हमने लॉन्च कर दिया है दोस्तों, तो आपको इसमें एडमिशन लेना है। प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आज रात 12 बजे तक ही सेल है, सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है, होली 25 कूपन कोड आपको यूज़ करना है, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबको हार्ट अटैक की सूचनाएँ मिल रही हैं, और बड़ा डर भी लग रहा है कि भाई ऐसा क्या करें। मतलब जब हमको लगता है कि वर्कआउट करो, तो हमको दिखता है कि एक बहुत ही हेल्दी इंसान जो वर्कआउट करता था उसको हार्ट अटैक आ गया। जब हमको लगता है अच्छा खाना खाओ, तो लगता है कि यार दे तो बहुत अच्छा खाना खाते थे, उसको हार्ट अटैक। तो भाई आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है, आपका दिल कैसे हेल्दी रहे। हम सबको पता है कि कोरोनरी आर्टरी, आपकी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड का सप्लाई हो नहीं पाता, फैट्स जिसको प्लेक्स कहते हैं वो जम जाते हैं वहाँ पे और ब्लॉक कर देते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, आप झटके में खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये धीमे धीमे होता है, और बड़ी बात ये कि साइलेंट है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, अनडिटेक्टेड है, ठीक है। और बड़ी, और एक और बहुत बड़ी बात है, प्रॉब्लम ये है ना कि देखिए हर इंसान के ऊपर ना, हर इंसान अलग है और उसका डाइटरी पैटर्न अलग है, खाने पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑथर ये बोलती है कि आजकल पैसे के चक्कर में हर एक सेलिब्रिटी कूद गया है फिटनेस इंडस्ट्री में, जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं, बस रटी रटाई चीजें, ना शरीर के बारे में पता ना कुछ, ये खा लो वो खा लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं होता भाई। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है, उसके डाइटरी पैटर्न्स अलग होंगे, उसका वर्कआउट स्टाइल अलग होगा, तो आप एक जो फॉर्मूला है वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनको भी जिम्मेदार ठहराते कि जो सेलेब्स है ना, ये भी बहुत बड़े, ये भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको रिसर्च, खुद से रिसर्च करनी है, और खुद से यू हैव टू स्टे विजिलेंट, फर्स्ट थिंग, स्टे विजिलेंट, खुद से तो आपको रिसर्च करनी ही करनी है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, डॉक्टर्स से बात करिए और इंटरव्यूज हैं डॉक्टर्स के हार्ट अटैक्स पे, ज़्यादा सेलेब्स के चक्कर में मत पड़िए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बॉडी कैसी है, छोड़िए स्टेरॉइड्स पे, बहुत बहुत दिक्कतें हैं यार, ठीक है, बहुत कुछ। आपको क्या लगता है जो इतनी टोन्ड बॉडी है, चलता है उनका इंजेक्शन चलते हैं, समझिए नेचुरल नहीं है वो, ठीक है। तो इसीलिए यू हैव टू स्टे
विजिलेंट। अब स्टे विजिलेंट का मतलब क्या है? स्टे विजिलेंट का मतलब यह है कि ध्यान दीजिए अपने ऊपर, लिक्विड प्रोफाइल, अपना ब्लड लिक्विड प्रोफाइल चेक करवाइए। साल में एक बार या दो बार, कम से कम छह छह महीने पे अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, अपना ब्लड प्रोफाइल चेक करवाइए, ठीक है? कितना ज्यादा है, क्या मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, क्या मेरा बीपी ठीक काम कर रहा है, क्या मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है? कोलेस्ट्रॉल सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, क्या एलडीएल और एचडीएल, लिपोप्रोटीन जिनको हम बोलते हैं, एलडीएल को कहते हैं हम बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ाता है, और एचडीएल को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इस पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए, आप देख लीजिएगा, बायोलॉजी मैंने भैया समझाई हुई है, बायोलॉजी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा। तो ये एचडीएल अच्छा होता है। एचडीएल क्या करता है, वैसे आपको बता दूं कि एचडीएल चेक करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मर्दों में ये 40 mg पर डीएल होना चाहिए, ठीक है, मतलब मिनिमम अगर 40 है, डिजायरेबल तो 60 होता है, औरतों में भी 60 से 70 के बीच में होता है, ठीक है, डिजायरेबल 60 होता है, लेकिन 40 नहीं होना चाहिए, 40 मतलब रिस्क है। अब आप समझ नहीं रहे होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना उसको हटाएगा, लिवर में भेजेगा, लिवर उसको टुकड़ों में तोड़ देगा और उसके बाद ये बॉडी से खत्म हो जाएगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन एलडीएल हमारे यहाँ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होता है। अब इसको आपको खत्म करना है, ये कैसे जमता है, ठीक है? तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो है डाइट, फॉल्टी प्लेट, क्लियर योर फॉल्टी प्लेट। आपकी जो प्लेट है ना, आप खा क्या रहे हो, क्या खा रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसी को ये आप जोड़ के देखिए थर्ड पॉइंट में, आपका जो वेस्ट है, तोंद, क्या आपकी तोंद तो नहीं निकली है, साइड से फैट तो नहीं निकल रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। फैट और हार्ट अटैक का चोली दामन का साथ है, और ये आता है आपके खाने से, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए, बिल्कुल सुबह उठ के गुनगुना, वैसे अगर आप इसको हैबिट में ले आते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह उठ के गुनगुना पानी से आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपके जो अनवांटेड फैट्स हैं वो भी टूटेंगे, ठीक है? धीमे धीमे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। फॉल्टी प्लेट का मतलब ये आप खा क्या रहे, समोसा आप जाइए, मैंने अब सब चीज़ें खानी छोड़ ही दी हैं, हाँ महीने में अगर एक दो बार चल गया तो चल गया। इसमें क्या होता है, जब आप जाते हैं किसी दुकान में, समोसे की दुकान में जाइए, अब आप ज़रा नज़र डालिए, आप बोलेंगे सर हेल्दी तो है, कैसे हेल्दी है बेटा, वो जो समोसा है तेल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल होता है, इसीलिए कहते हैं कच्ची घानी, रिफाइंड में तो मत बनाइए, कोई भी चीज़ के आगे अगर रिफाइंड लग गया ना, एकदम दूर भाग जाइए उससे, थोड़ा महंगा आएगा, कड़ुए तेल में बना लीजिए जो कच्ची घानी आता है आपका, ठीक है? वो भले ही बहुत ज़्यादा टेस्ट, सब्जी वब्जी तो उसी में ही बनती है, नहीं तो आप और अच्छा ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो तेल होता है ना, यही इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, वो उसी तेल को बार बार यूज करते हैं। जरा देखिएगा, 10 रुपए का समोसा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उसी तेल को बार बार वो यूज कर रहे हैं, एक ही तेल को, एक तेल को बार बार यूज करने से ट्रांसफैट्स हो जाते हैं, ट्रांसफैट्स डेवलप हो जाते हैं, वो और ज्यादा डेंजरस है, ठीक है? ये आपके इंटरनली आपके ऑर्गन्स पे जमा होने लगते हैं, यानी कि एक्सटर्नली तो प्रॉब्लम करेगा, ये इंटरनल ऑर्गन्स भी फेल होने लगेंगे, उसमें भी ये फैट्स भर देगा। तो ये जो तेल देखो बेटा, मेन जो छोले भटूरे आप अल्लाह जाते ना, छोले भटूरे वो कितनी बार भाई, क्योंकि उसको खाली प्रॉफिट चाहिए, वो बार बार तेल थोड़ी ना बदलेगा, इसीलिए घर वाला सबसे बढ़िया होता है, वो 50, 100, 200 कस्टमर को उसी तेल में तल तल के वो, और कल भी यूज कर ले वो। तो ये बड़े डेंजरस होते हैं, जो जलेबी इमरती ये सब जो तुम खाते हो ना, बहुत डेंजरस है ये, ठीक है? तो पहले तो अपने वेट को देखो, फिट रहो बहुत ज्यादा जरूरी है, तोंद वोंद सब अंदर कर लो, और इसके लिए आपको अपनी फॉल्टी प्लेट सही करनी पड़ेगी। क्या करना है आपको, पहली बात, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले तो गर्म पानी पीना है आपको सुबह उठ के, एकदम आदत बना लो और जल्दी उठो जितना हो सके, शुगर को खत्म कर दो। सबसे बड़ा जो ये शुगर है ना, शुगर ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, रिफाइंड शुगर को कोई भी इतना सा भी इसका योगदान नहीं है आपकी हेल्थ में, उल्टा आपको ये बर्बाद कर रहा है, ठीक है? इमरती खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, क्या कर रहा है वो, कुछ नहीं कर रहा, खाली फैट बढ़ा रहा है ना, ये डाइजेस्ट हो रहा है, ऊपर से और इंसुलिन स्पाइक दे रहा है, डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। इस शुगर कंटेंट सबसे बड़ा कारण होता है जो चॉकलेट्स में, पेस्ट्री में, बिस्किट्स में। अब सर हम क्या बिस्किट छोड़ दें, नहीं, ऑर्गेनिक खाओ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो बहुत ही बढ़िया
तरीके से आप बिस्किट दे रहे हैं, गुड़ खा लो, गुड़ यूज़ कर लो, हनी यूज़ कर लो, लेकिन ये जो शुगर है ना, अगर आप मोटे हो रहे हो तो शुगर छोड़ दो, 15 दिन के लिए शुगर छोड़ के देखो, आपका खुद ब खुद इफेक्ट पड़ता चल जाएगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ले भी रहे हो तो बस दिन में एक बार देखो, देखो आपको थोड़ा सा, मैंने क्या बताया, स्टे विजिलेंट, विजिलेंट रहना पड़ेगा कि आप खाने में खा क्या रहे हो। अगर आप जा रहे हो छोले भटूरे खाने जा रहे हो उसे, तो देखो वो तेल को देखो, आपको लग रहा है कि हम एक बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वो छोले भटूरे हमको दे रहा है, लेकिन तेल तो वो वही यूज़ कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई भी चीज़ खा रहे हो तो ज़रा देखो उसमें कंटेंट क्या है। ये शुगर को बंद कर दो, जहाँ पे भी रिफाइंड शुगर मिलेगी, ये गुलाब जामुन हो गया, कुछ नहीं करता ये, रसगुल्ला क्या कर, कुछ नहीं करता ये, और आपको परेशान करता है ये। अब आप बोलेंगे सर क्या जीना छोड़ दे, नहीं, खाओ कंट्रोल वे में खाओ, ठीक है। शुगरी कंटेंट आजकल इतना ज़्यादा हो गया है, हम ना चाह, हमको पता भी नहीं चलता और वो हम कंज्यूम करते रहते हैं, तो ऐसे में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तेल अच्छा यूज़ करो, थोड़ा थोड़ा सा पैसे खर्च कर दो, तेल बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर क्या खाएं, प्रोटीन खाओ, ठीक है। अब प्रोटीन, आपको प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है, पनीर खाओ, पनीर तो सबको पसंद है, अगर पनीर अपनी एक बार आप दिन में डाइट में यूज़ कर लो, मज़ा आ जाए, पनीर रोटी खाओ, पनीर भुर्जी बना के कितना मज़ा आता है। थोड़ा सलाद खा लो, चलो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ऐसे पका के नहीं तो सलाद तो खा सकते हो, उसका बढ़िया से एकदम अच्छे से क्या कहते हैं इसको, गार्निश कर लो, आपको और अच्छा लग जाएगा, है ना। दाल खा लो, दाल चावल खा लो, दाल रोटी खा लो, रोटी भी बदल बदल के खाओ, उसमें मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया, अलग अलग, जितना ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जुड़ोगे। सोया चंक्स खा लो, ये तो बड़े आजकल तो बड़ी, सोया बिरयानी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, पनीर है बहुत बढ़िया, सोया है बहुत बढ़िया, जो चंक्स आते हैं अच्छा है, हेल्दी खाओ, अगर बाहर भी जा रहे हो हेल्दी खाओ, बाटी चोखा बढ़िया रहता है, यस मैं तो खा लेता हूं, डोसा सही रहता है, इडली सही रहती है, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो ही सही होगा। कोशिश करो कि वो चीज जो तली जा रही है तेल में उससे दूर हो जाओ, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है, आपको अपनी जो प्लेट है उसको, अपनी फॉल्टी प्लेट को क्लियर करना है, जितना ज्यादा ट्रांसफैट जंक फूड को आप हटाओगे, खाओ ऐसा नहीं है महीने में एक दो बार खा लो, उतना से, और अगर आप डाइटिंग करें तो बहुत अच्छा है, और आप देखिएगा ये धीमे धीमे कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे क्या होता है ना कि अभी आपको बड़ा मुश्किल होगा अगर आप इसके आदी हो, लेकिन अपनी बॉडी को देखो क्या फिट महसूस कर रहे हो, अगर नहीं महसूस कर रहे हो तो आज से ही इसको इंप्लीमेंट करो, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, झटके में इंसान खत्म होता है। और अगर आपके इर्द गिर्द जिसको बहुत प्यार कर रहे हो वो ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसको भी रोको, ठीक है। फिर उसके बाद वर्कआउट आ जाता है, वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वर्कआउट है ये बहुत ज़्यादा ना करो, मॉर्निंग वॉक पे भी जाओ बहुत बढ़िया, सुबह वॉक पे तो भाई जैसे अभी ये मैंने किताब पढ़ी थी, और अभी मेरा जो एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स है 300 रुपये का, भैया संडे को फिर से क्लास होने वाली है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल और स्मोकिंग ड्रग्स को इस पर कैसे उभरे। तो ये जो डोपामाइन है ना ये रिलीज होता है अगर आप सुबह सुबह वॉक करते हो, आपको पता है अगर आप सुबह सुबह धूप लेते हो ना आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सा 6 बजे निकल जाते हो तो एकदम सूरज का, सूरज उग रहा होता है, बड़ा अच्छा सा लगता है पार्क वार्क में नेचर के इर्द गिर्द, तो ये डोपामिन भी रिलीज होता है जो आपके पूरे मूड को कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा फील देता है आपको, आपको पता है। और वॉक भी सही रहेगी, साइकिलिंग भी सही रहेगा, वर्कआउट भी सही रहेगा, लेकिन अगेन वर्कआउट ऐसा नहीं है कि करे ही जा रहे हो, अपनी बॉडी को समझो कितना इनफ है, आपको अपना इनफ पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि बस हो गया दैट्स इट, खत्म कर दो वर्कआउट, जबरदस्ती 10 सेट मारने तो 20 मारे जा रहे हैं, एकदम हालत खराब है, अपना बॉडी चेकअप जरूर करो। अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो कोशिश करो कि वेट ट्रेनिंग ना ही करो, ठीक है, देखो कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा है। वर्कआउट से डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, लेकिन वर्कआउट एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सेस होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान दो अपने ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा डिसिप्लिन रखो, अपनी डाइट पे डिसिप्लिन रखो, कोशिश करो कि 7:30 के बाद खाना ना ही खाओ, है ना, शाम को 7:30 के बाद खाना ना ही खाओ, पानी पीते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे हाइड्रेटेड, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा है, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड। और इन लोगों से दूर रहो जो फर्जी में एडवाइस देते हैं ना, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो वो लोग हैं कि बिना किताब पढ़े, या जो वो सेलिब्रिटीज़ की ये खा लो, आप ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा सा अपनी भी रिसर्च रखो, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, ख्याल रखो अपना, कोई दिक्कत नहीं है, मेन इसमें यही है कि सबसे पहले आपको अपनी जो प्लेट्स है हेल्दी फूड जितना ज़्यादा इंक्लूड करोगे उतना अच्छा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मोटापे को कम करना है आपको हर हाल में। सुष्मिता सेन को कैसे हार्ट अटैक आया, उनको एडिसन डिजीज था दोस्तों,
उनको हार्ट अटैक नहीं आता, बट उनको एडिसन डिजीज था जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल खत्म हो जाता है, एल्डोस्टेरॉन खत्म हो जाता है, और कॉर्टिसोल आपके ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये एडिसन डिजीज 20-30 हज़ार में से एक को होता है जो इस पर सुष्मिता सेन थी, तो इसीलिए उनको ये हुआ एडिसन डिजीज। अब ये तो क्या ही कर सकते हैं, तो किसी को भी हो सकता है। हाँ, एक और चीज, जेनेटिक, ये तो मैं भूल ही गया भाई, जेनेटिक पे देखो ये इंपॉर्टेंट है। आपके घर में या आपके खानदान में किसी को हार्ट अटैक आया है या कोई हार्ट रिस्क पे है, पिताजी या दादाजी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी ट्रैक करो क्योंकि वही जीन आपके में आएगा, है ना। अगर ऐसा है तब तो एक्स्ट्रा केयर करो अपनी, ठीक है। और बाकी हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।